आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हम बात कर रहे हैं नया रूल जो 88C आया है उसके बारे में। यह नया रूल अभी अभी इंसर्ट होने वाला है। कैसे इंसर्ट होने वाला है जी? जो कि आपको पता है GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने बोला था नए रूल लेकर आएंगे। यहाँ पर दो रूल इंसर्ट हो रहे हैं, एक 88C और एक 59(6) में ये चेंज कर रहे हैं। दोनों क्या कहते हैं पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा जिससे आपकी पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। और आप लोग मेरे से बार बार कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते थे कि सर मैगजीन पर डिस्काउंट कब आएगा, मैगजीन पर डिस्काउंट कब आएगा, तो ये मैगजीन पर डिस्काउंट आ गया है। इस साल का आखिरी डिस्काउंट है। सर क्या डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 2 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर हमारे ये सिर्फ 100 लोगों के लिए है, अगर ये 100 लोग पहले ही हो गए तो ये पहले भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर आपकी मैगजीन एक्सपायर है या आपको मैगजीन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा लें। और हाँ जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सैंपल कॉपी चाहिए मैगज़ीन की तो आप इस नंबर पे बात करके आप सैंपल कॉपी भी ले सकते हैं। तो बात कर रहे हैं रूल नंबर 88C की। रूल नंबर 88C क्या कहता है कि भाई GST के अंदर एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप लोग क्या करते हो, GSTR 1 में तो अपनी सेल दिखा देते हो लेकिन GSTR 3B में टैक्स पे ही नहीं करते। ये बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या का हल करने के लिए क्या करा, इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने 3B में, ठीक है, सेल पर टैक्स दिया 1,00,000 रुपये और GSTR 1 में जो आपका टैक्स जाना था वो जाना था 5,00,000 रुपये, तो ये डिफरेंस हो गया। कितने लाख का डिफरेंस हो गया? 4,00,000 का। कि मतलब कि तुम ITC पास ऑन कर रहे हो 5,00,000 का और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो 1,00,000 का, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम एक नया रूल इंसर्ट करेंगे, रूल नंबर 88C, जिसके अंदर हम एक नया फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो है DRC 01B। ये एक रूल ला रहे हैं, एक नया फॉर्म ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा GSTR 1 में जो टैक्स है वो आपका ज़्यादा है और 3B में जो टैक्स है वो कम है, कितने का डिफरेंस है ये डिफरेंस नहीं बता रहे। ये कह रहे डिफरेंस भी हम इसी रूल में प्रिस्क्राइब कर देंगे। हो सकता है ये डिफरेंस 10% का हो सकता है ये डिफरेंस 20% का हो सकता है डिफरेंस 10% 20% में ना हो, अमाउंट्स में हो कि 10,00,000 का डिफरेंस 20,00,000 का। ये कह रहे हैं अभी हम ये नहीं बता रहे, ये रूल 88C में बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई डिफरेंस हुआ तो अब ऑफिसर आपको नोटिस नहीं भेजेगा, अब आपको पोर्टल ही DRC 01B इशू करेगा। पोर्टल जैसे ही DRC 01B इशू करेगा, किस वजह से कर रहा है, ठीक है ना, ये बात हो रही है इंटीमेशन। इसे क्या बोल रहे हैं ये कि भाई ये एक इंटीमेशन है, ये कोई नोटिस नहीं है, ये क्या है, एक इंटीमेशन है टू द टैक्स पेयर। किसे इंटीमेशन दी जाएगी? टैक्स पेयर को दी जाएगी बाय द कॉमन पोर्टल। देगा कौन? कॉमन पोर्टल। किस बारे में देगा? अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर इन GSTR 1 एंड द GSTR 3B फॉर आ टैक्स पीरियड। ठीक है, एक टैक्स पीरियड की ये मैच करेंगे और अगर डिफरेंस आता है तो ये आपको इंटीमेशन देंगे। लेकिन डिफरेंस कितना? वेयर सच डिफरेंस एक्सीड ए स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर वो डिफरेंस एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा जाता है और परसेंटेज, तो या तो अमाउंट भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, फॉर इनेबलिंग द टैक्स पेयर टू आइदर पे द डिफरेंशियल लाइबिलिटी। अब जब ये डिफरेंस निकल कर आएगा तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है जरूरी कि तुम्हें डिफरेंस पे ही करना है, आप या तो इस डिफरेंस को पे कर दो या आप हमें इस डिफरेंस का कारण बता दो। आप हमें बता दो कि 3B में हमने 1,00,000 अभी पे करा है लेकिन इससे अगली 3B में हमने 4,00,000 और पे कर दिए, तो हम आपसे पेमेंट नहीं मांग रहे। या तो आप हमें पे कर दो या आप हमें डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो और एक्सप्लेन द डिफरेंस। दोनों ही चीज़ें इन्होंने बोली। तो डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हमारे को डिपार्टमेंट नहीं जाना, जैसे ही हमारे पास DRC 01B आएगा वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भाई आप इसके डिफरेंस को बता दो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये डिफरेंस नहीं बताते या ये टैक्स पे नहीं करते तो इन्होंने क्या बोला है कि हम रूल 59(6) किस चीज़ का है? हमारी आउटवर्ड सप्लाई का, जो हम GSTR 1 भरते हैं। ये कह रहे हैं हम एक नई क्लोज इंसर्ट करेंगे, क्लोज D2B इंसर्टेड इन सब रूल 6 ऑफ रूल 59।
हम इसमें एक क्लोज इंसर्ट करेंगे जो बोलेगा टू रेस्ट्रिक्ट फर्निश ऑफ फॉर्म GSTR 1, कि हम आपको GSTR 1 नहीं भरने देंगे कब, फॉर ए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड इफ द टैक्स पेयर हैज नाइदर डिपॉजिट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन इंटीमेशन नोर हैज फर्निश ए रिप्लाई। अगर आपने रिप्लाई भी नहीं दिया उसका और ना ही आपने डिफरेंस अमाउंट जमा करा किसका, DRC 01B का, तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 नहीं भर पाओगे। ठीक है ना, लिखा हुआ है कि नोर हैज फर्निश ए रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे जो है आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा दिस वुड फैसिलेट टैक्स पेयर टू पे एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन सच लाइबिलिटी रिपोर्टेड बाय देम विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द टैक्स ऑफिसर। तो यहाँ पर टैक्स ऑफिसर का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ये सारे काम पोर्टल करेगा और पोर्टल के थ्रू ही आप रिप्लाई दोगे और वहाँ पर ये चीज़ देखेगा, कौन देखेगा, जर्नली देखेगा तो ऑफिसर ही। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो बच जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कैसा लगा आपको ये एनालिसिस। ऐसे ही हम प्रेस रिलीज के जितने भी एनालिसिस होंगे, अपनी जो जनवरी की मैगजीन होगी जो हम आपको 5 तारीख तक दे देंगे, उसमें सारे एनालिसिस कर देंगे, पूरी प्रेस रिलीज के एक एक करके एनालिसिस करके आपको दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना कैसा लगेगा आपको ऐसा एनालिसिस। तो ये जो हमारी मैगजीन है 5 तारीख तक आ जाएगी। तो अगर आपकी मैगजीन एक्सपायर हो गई है या अभी तक आपने हमारी मैगजीन नहीं ली है, तो पहले तो आप हमारा फीडबैक चेक कर ले, गूगल रिव्यू पढ़ ले, उसके बाद आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया, बैंक अकाउंट डिटेल दे दी है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस संडे, ठीक है ना, हम सेशन रख रहे हैं GST काउंसिल मीटिंग के एनालिसिस का, तो आप ये सेशन भी सुन सकते हो, इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पूरे साल की मेंबरशिप चाहिए सारे वेबिनार सेमिनार की, वो भी ले सकते हो, इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर बनना है तो उसमें भी आप आ सकते हो। तो हमने सारे ऑप्शन करे। अगर आपको हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि जो हम सारे वेबिनार सेमिनार करते हैं हम उसमें रिकॉर्ड करके भेजते हैं, सारा एक्ट पढ़ाते हैं, पूरे रूल्स पढ़ाते हैं, तो भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हो पूरा GST सीखने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या इस तरह से मुझे और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत प्यार मिला मुझे उस पर, मैं जब लाइव आया था उस पर भी बड़ा प्यार मिला। अगर आपका ऐसे ही प्यार आता रहा, ऐसे ही व्यूज और मेरे को शेयर मिलते रहे और लाइक मिलते रहे, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।